मैं प्रिया जिम्मीवाल आज ब्लॉग की स्टार्टिंग मॉर्निंग के 6:30 बजे से कर रही हूँ। आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे और मैं भी फ़िलहाल ठीक ही हूँ। तो आपको मेरी वीडियो देखने में मतलब काफ़ी मज़ा आ ही रहा होगा। और तो देखो आज मौसम तो बादल लगा है, कभी बादल लगा है तो छत में चाय ही पी रहे हैं फिलहाल पीजी। और सुबह का मौसम ही अलग होता है, इतना अच्छा मौसम हो रहा है ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी हवा के साथ। और आज भी गई थी ना घूमने, मतलब सुबह घूम के ना एक मतलब शरीर वो हो जाता है काम करने का, मतलब फुर्तीलापन जो नहीं बोलते हैं वो आ जाता है। तो ठीक है, बच्चे आज स्कूल जाएंगे, आज तो वैसे हाफ डे हो जाएगी, फिर भी तो उनके लिए नाश्ता वाश्ता बनाना है, दूध दूध गर्म करना है। तो ठीक है, फिर बाद में मिलती हूँ आप लोगों से। तो गाइस बच्चे चले गए, तभी बच्चे चले गए, अब मैं पीती हूँ चाय, तभी अब पीती हूँ चाय। तो कल चाचा ने लगा दी थी सुई, तो दर्द मतलब था तो नहीं हो रहा है फिलहाल, ठीक ही है, पर हाथ में भी थोड़ा अभी दर्द ही हो रहा है, तभी हाथ में भी फिर भी अभी दर्द ही हो रहा है। तो गाइस आज मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन, तभी आज बना रही हूँ मैं गुलाब जामुन। कब से लड़के के और रखे मम्मी कब बनाओगे कब बनाओगे, तो फिलहाल मैं तो पहले ही बनाने वाली थी, फिर मतलब वैसे ही हो गया था तो क्या बोलते हैं बना नहीं पाई। तो आज बनाऊंगी मैं, सामान वामान मंगा रखा है इसके पापा से, तो अभी ले आएंगे। पहले चाय ही पीती हूँ, सब्ज़ी वब्जी डाल दी है आज नाश्ते में, बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी और फिर काम वाम करती हूँ, थोड़ी देर में बनाऊँगी फिर आप लोग को दिखाऊँगी मैं रेसिपी। इस गुलाब जामुन के लिए मैंने चाशनी बनाने के लिए इसमें रख दी है चीनी डाल दी और इलायची भी कूट के डाल दी। तो ये तब तक धीरे धीरे आँच में अपने आप होते रहेगा। तो पहले मैं नाश्ता नाश्ता करती हूँ, फिर आटा आटा गूंथती हूँ इसका, फिर बनाती हूँ, फिर आप लोग को दिखाऊंगी। इस चाशनी मेरी तैयार हो गई है, बन के रेडी हो गई है, तो मैंने ठंडा करने के लिए इसको छोड़ दिया है। तो मैं अब गूंथती हूँ ये आटा, तो अगर गुलाब जामुन का आटा गूंथती हूँ फिर आप लोग को खाते हूँ। तो गाइस मेरा ये आटा तैयार हो गया है, तभी घर आटा तैयार हुआ है, थोड़ा इसको गीला ही गूंथते हैं मतलब, तो ये सॉफ्ट होता है, अगर टाइट बनाएंगे तो ये टाइट आटा गूंदेंगे तो मतलब टाइट हो जाएंगे, तो इसको थोड़ा गीला ही गीला गूंथते हैं। एक ही पैकेट बना रही हूँ, बहुत काफ़ी है। तो ये हो गया है, अब मैं इसकी गोल गोल ग्लोई जैसे बनाती हूँ, ज़्यादा बड़े भी नहीं बनाऊँगी क्योंकि ज़्यादा बड़े बनाऊँगी तो चाशनी में डालूँगी तो फिर और बड़े होंगे, तो इस तरह छोटे छोटे बनाऊँगी। और मैंने कढ़ाई में तेल रख दिया है, इनको रिफाइंड में तलूँगी, तो मैं इनको पहले रोल बनाती हूँ छोटे छोटे, फिर इनको मैं तेल में तलूँगी, फिर दिखाती हूँ आप लोग को। हाँ देखो मैंने गोल गोल ग्लोई जैसे बना दी है फाइनली, तभी फाइनली मैंने ये बना दिए। और मैंने इसमें तेल रख दिया है, गर्म हो रहा है, तो गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें फिर इसको फ्राई करूँगी, पर इसको फ्राई करने हैं धीमी आंच में और हिलाते रहना है। तो तेल गर्म होता है फिर मैं इनको डालती हूँ। तो गाइस ये देखो मैं तलने लग गई, तभी तलने लग गई, इसको धीमे आँच में तलते हैं ना तो ये फट जाते हैं, और धीमी आँच करिए और इसको इनको हिलाते रहने पड़ता है। वो तो मैंने तल दिए हैं, तो फिर एक साथ डालूंगी, ऐसे हो गए हैं कलर ब्राउन, ये देखो कितने टेस्टी दिख रहे हैं, अगर कितने टेस्टी दिख रहे हैं छोटे, इनको बनाते हैं छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े नहीं बनाते क्योंकि ये चाशनी में जाएंगे तो फुल के फिर और ज़्यादा बड़े होंगे, तो इनको छोटे छोटे गोली बनाते हैं। मैं तेल आएगा बाबू, तो मैं इनको तलती हूँ फिर सब, फिर आप लोग को दिखाती हूँ। तो गाइस हम लोग स्कूल से आ चुके हैं और आज हमारा हाफ डे था। मम्मा क्या बना रही है आज? आज हमारी मम्मा बना रही है कि गुलाब जामुन, वो भी टेस्टी टेस्टी, लेकिन गुलाब जामुन बहुत अच्छे लगते, तभी बना रही है मम्मी टेस्टी, तभी बना रही हूँ, तभी बना रही है मम्मा। तो ठीक है मैं आप ये फ्राई मतलब फ्राई करती हूँ इनको, तो फिर आप लोग को फिर दिखाती हूँ। हाँ फाइनली ये तैयार हो चुके हैं, तभी करीब फाइनली गोल ये तैयार हो चुके हैं, देखो गोल गोल। तो अब मैं इसको इनको डाल देती हूँ चाशनी में, फिर अभी नहीं देखूँगी, थोड़ा थोड़े देर तक अपने आप भीगे रहेंगे, तो फिर आप लोग को फिर दिखाऊंगी ये, और फिर बच्चे भी टेस्ट करके बताएंगे कि कैसे बने हैं, तो आप लोग को भी दिखाऊँगी। देखो फाइनली मैंने इसमें डाल दिए, अभी अपने आप इसमें भीग रहे हैं 5-10 मिनट, फिर काम वाम कर दूँ, कुछ अच्छा लगाना है, उसके बाद देखेंगे कैसे हो रहे हैं। हाँ टेस्टी हो रहे हैं, मैं
अब इनसे वो हीरा छीन लो। तो गाइस मैं भी चखती हूँ। थोड़ा मीठा मैंने कम ही डाला था क्योंकि मीठा कम ही खाते हैं। ठीक है, अरे वो देखो, वो देखो, एमजे हीरा प्राकर भाग रहा है। एमजे ने गाइस हमने उठ के चाय आई पी दी और आज आ गई मैं ग्वाला। तो देखो मैं बकरी को लेके आ रखी हूँ, पापा गए आग लगाने तो उंगली कटी है, घास घास काटना हुआ नहीं तो मम्मी करी बकरी ले जा। तो बकरी चराने लगे और दिखाते हो आप लोग को कितनी बकरी आ रखी है और कितने जने आ रखे हैं। ग्वाला ग्वाले आए पक ग्वाले, ये तीन बैठ रखे हैं ग्वाले बकरियों को चरा रहे हैं। बकरियों के ग्वाले बैठे तीन जने, एक ने वो उधर को मुंह लगा रखा है, एक ने उधर को, एक ने उधर को। हाँ हाँ, तो ये देखो सब बकरियाँ बकरियाँ, तब अरे सब बकरी मिल गए दोस्त फ्रेंड। ये देखो आधे उधर और आधे हमारे उधर है। अभी रोड से मैं इधर को भगा के लाती हूँ इनको। गाइस देखो हमें चूहा मिल गया खेत में आते ही। उजाए तो बहुत छोटा है, ये देखो हाँ कितना छोटा है, घास में दिख भी नहीं रहा। तो अरे घास में दिख भी नहीं रहा, पता नहीं कहाँ गया, लुक गया, दूल्हे में चला गया। ये चिल में रुक गयो, छोटा तो था, तब अरे छोटा तो था बच्चा। इस खेस खाली है तो सब अपनी अपनी बकरी लेके आ रखे हैं और सबके मतलब एक दो नहीं है, पांच छह है हमारे। देखो कितने हैं, ये सब हमारे हैं, छह आठ तो बच्चे ही हो गए और फिर बड़े बड़े। तो खाली खेत है तब चर ले रहे ना तो बेचारे। वो एक ग्वाले वो उधर भी दिख रहे हैं आपको, देखो अब घर ले जाने लग गए वो। तभी कह रही हूँ ये देखो दोस्ती भी कर ले रहे हैं बकरियाँ और पेट भी भर ले रहे हैं। गाइस मैं आ गई बकरी की चरा के और अभी आ गई हूँ अंदर। अब वैष्णवी से, वैष्णवी बत्ती जला लो हाथ में धो के। हाँ, तो मैं सब्जी काटती हूँ। आज बनाते हैं लौकी की सब्जी। अब प्याज व्याज खाना है नहीं क्योंकि एक तारीख को अमा का श्राद्ध है, तो कल पापा मम्मी लोगों की एका वक्त होगी। तो मैं आज लौकी की सब्जी बनाती हूँ छाँ डाल के। वैसे अच्छी तो लगती है नहीं, छाँ डाल के ठीक रहती है, मेरे पति देव खाते हैं नहीं, उनको पसंद नहीं है। तो मतलब नखरे नहीं करते हैं, वैसे पसंद नहीं है और वैसे नखरे को कुछ नहीं ठहरे कि ये नहीं खाता हूँ, खा लेते हैं। तो ठीक है फिर उनके लिए कुछ देख लूँगी, कुछ बना लूँगी। तो मैं सब्जी वब्जी काटती हूँ तो चाय पीते हैं फिर। तो बोले तो गाइस हमने खाना ना खा दिया है और बाहर आए हैं। ये देखो ब्रूनो का शक्ल रहा है, ब्रूनो का शक्ल रहा है, ये तो जैक्सन पूछ हिला रहा है। तो बोले जैक्सन पूछ हिला रहा है, टेढ़ी टेढ़ी पूछ बना रहा है, ये बोल रहा है मेरे पास नहीं आ रही है, ये गंदा है। देखो पर आ गई मैं इसके पास, तभी अगर इसके पास भी आ गई है। तो पति देव गेहूँ उठा रहे हैं, थोड़े गेहूँ हैं, बारिश आएगी तो बादल लगा है तो उठा रहे हैं। गाइस गेहूँ रख के आ गए, अब सो जाते हैं। और पति देव को गुलाब जामुन खिला दिए। कैसे हो रहे थे गुलाब जामुन? अच्छे नहीं हो रहे थे, बदतमीज बेइज्जती कर बात कर दी, अच्छे नहीं हो रहे थे। मयंक कैसे हो रहे थे बाबू? है देखा बेटे ने तो बोले थे बदतमीज, अच्छे नहीं हो रहे थे। मैंने खाली पांच खाए, अच्छे नहीं हो रहे थे। तो ठीक है ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।